हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGR STDIQ में। और जो दोस्त हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज हम बात करेंगे यूनेस्को में भारत के कितने धरोहर हैं जो सम्मिलित हैं यूनेस्को के लिस्ट में, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और उसके बारे में डीपली नॉलेज देने वाले हैं हम। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और जो दोस्त अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी से मेरा निवेदन है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे यह प्यारी सी जानकारी जो यह GKGS का जो मैं सिलेबस लेकर चल रहा हूँ टॉपिक, ठीक है, उसको मैं कम्प्लीट करा सकूँ और अपने आपके दोस्तों तक भी यह नॉलेज पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर। तो पहले पे है ताजमहल, जो यूनेस्को के लिस्ट में आया था। ताजमहल है उत्तर प्रदेश में और यह आया था 1983 में। दूसरा है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश का ही है, 1883 में यह भी आया था। ताजमहल भी है, आगरा में ही पड़ता है ताजमहल और आगरा का किला भी वहीं पर है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, 1983 में ये भी शामिल हुआ था उसी टाइम। और एलोरा की गुफाएं 1883 में ये भी शामिल हुआ था महाराष्ट्र में जो पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, इसे 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु में पड़ता है 1984 में, इसको भी यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था विश्व धरोहर के लिस्ट में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है और इसे शामिल किया गया था 1985 में। आठवां क्वेश्चन है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आसाम में है, इसे भी 1985 में शामिल किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में। नवा क्वेश्चन है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो कि है 1985 को, इसको भी शामिल किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में। दसवां क्वेश्चन है पुराने गोवा के चर्च व मठ, गोवा जो कि गोवा में है, 1986 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। ग्यारहवां क्वेश्चन मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश को 1986 में यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। बारहवां क्वेश्चन है हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में जो कि स्थित है 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। तेरहवां क्वेश्चन है खुजराहो मंदिर मध्य प्रदेश 1986 में शामिल किया गया था। चौदह एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है 1987 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। पंद्रह नंबर पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक में है 1987 में शामिल किया गया था इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे शामिल किया गया था 1987 को ही। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है 1987 में, इसको भी शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है 1988 में, इसे भी शामिल किया गया था। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, इसे शामिल किया गया था 1989 में। और 1993 में हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसे भी शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल में है 1999 में, इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर गया में जो है बिहार, इसे 2002 में यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। भीम बेटका का गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है 2003 में, इसको शामिल किया गया था। गंगई कोड़ा चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु में है 2004 को, इसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। एरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है 2004 को, इसको भी शामिल किया गया था 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004 में, इसे भी शामिल किया गया था, जो मुंबई का
जो रेलवे स्टेशन जो स्टेशन है उसे शामिल किया गया था, उसे कहा जाता है इसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है। 2005 में इसको शामिल किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसे 2005 में इसको शामिल किया गया था, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक। दिल्ली का लाल किला 2007 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि दिल्ली में है। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में आया। सिमलीपाल अभ्यारण उड़ीसा में है, 2009 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। नोकरेक अभ्यारण मेघालय में है, 2009 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। भितरकनिका उद्यान उड़ीसा में है, 2010 में इसको शामिल किया गया था। जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान 2010 को शामिल किया गया इसे। पश्चिमी घाट केरल 2012 में शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। आमेर का किला राजस्थान 2013 में शामिल किया गया इसे। रणथंभौर किला राजस्थान 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ किला राजस्थान, और राजस्थान को वीरों का ज़मीन भी कहा जाता है, यहाँ पे रजवाड़ों का ज़मीन भी कहा जाता है, राजपूतों का भी ज़मीन कहा जाता है, इसे 2013 में शामिल किया गया। सोनार किला राजस्थान 2013 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान 2013 में शामिल किया गया। गागरोन किला राजस्थान, इसे भी शामिल किया गया। रानी का वाव गुजरात में स्थित है, 2014 को इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 को इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो 44 भारतीय धरोहर हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, और भी धरोहर जो होंगे उनका भी नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो इतने आप अच्छे से तैयार कर लिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में राष्ट्रीय धरोहर से या विश्व धरोहर से जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, कई तरीक़े से इस क्वेश्चन इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण उद्यान पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा अभ्यारण उद्यान वन्य अभ्यारण कहाँ पर स्थित है। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर लिए, नोट पॉइंट कर लीजिए, कौन कौन से किले किस जगह पे है, इस तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में कई तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ कि वनों से संबंधित, अगर अभ्यारण से संबंधित या फूलों की घाटी संबंधित जितने भी वन वो हैं उद्यान हैं, ठीक, उनके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप बता लीजिए। किलों के बारे में आता है क्वेश्चन कि कौन सा किला कहाँ पे है उसको बता लीजिए। ठीक, कौन सा मंदिर कहाँ पे है उसको बता लीजिए। और यूनेस्को के लिस्ट में ये तो सारे है ही हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को के लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, आते रहते हैं एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो का आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। Okay.